गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू चैप्टर स्कूल इज अ टेंपल। यू नो अबाउट स्कूल वेयर यू आर गोइंग टू रीड इन योर क्लासमेट्स। देर आर योर टीचर्स, देर योर प्रिंसिपल्स, देर इज योर डायरेक्टर्स, देर आर मेनी योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रीड देर यंगर एंड I think, do you understand better? आज की क्लास में हम स्कूल इज ए टेम्पल, विद्यालय एक मंदिर होता है, चैप्टर है जिसका नाम है स्कूल इज ए टेम्पल, विद्यालय एक मंदिर होता है। डू यू नो अबाउट द टेम्पल, मंदिर के बारे में आप जानते हैं? वेयर द हिंदूज आर गोइंग गोज टू वर्शिप, जहाँ पर हिंदू जो है वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसे मंदिर कहते हैं। तो स्कूल भी एक मंदिर होता है, विद्या प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वी एक्वायर नॉलेज, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं, तो वो भी हमारे लिए मंदिर होता है। विद्या की देवी जो सरस्वती होती है उसे सफाई पसंद होती है। क्या होती है? आप जैसे स्कूल में भी अपना होमवर्क वगैरह करते हैं, वो नीट एंड क्लीन होता है तो आपको गुड मार्क्स मिलते हैं, उसमें आपको स्टार मिलते हैं, उसमें आपको एक्सलेंट मिलता है, तो आप प्रफुल्लित होते हैं कि मैं कितना अच्छा होमवर्क किया और मुझे इसका फल मिला है। तो स्कूल इज ए टेम्पल। देखो मैं स्कूल के बारे में आपसे कुछ सवाल करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, आपको आंसर पॉइंट करने होंगे, डू यू लाइक। अगर आप चैप्टर को पढ़ने से पहले, यदि ये चीज़ें बिफोर रीडिंग द चैप्टर, चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, और डिस्कशन में आप ये पाएंगे कि चार पाँच सवाल इसमें दिए हुए होते हैं। चैप्टर के प्रारंभ में एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में सवाल दिए हुए होते हैं। डू यू लाइक वेयरिंग क्लीन और डर्टी क्लॉथ्स? तो पहला क्वेश्चन है, डू यू लाइक क्लीन और डर्टी क्लॉथ्स? डू यू लाइक वियरिंग क्लीन एंड डर्टी क्लॉथ्स? इसका हम क्वेश्चन नंबर मान लीजिए इसको 1 रख लेते हैं, फिर हम इसका आंसर करेंगे, स्पेस रख देता हूँ, फिर इधर हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। डू यू लाइक सिटिंग इन द क्लीन रूम और डर्टी रूम? क्लीन रूम और डर्टी रूम। फिर देखो इसका भी हम आंसर करेंगे, डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब देखना तीसरा जो इसमें क्वेश्चन आ रहा है, इफ यू फाइंड देर इज सम रबिस, आर यू डबल बी आई एस, सम रबिश, रबिश यानी कचरा, जैसे रैपर होता है, कागज के टुकड़े हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, कैंडल्स वगैरह हो गए, पेंसिल के छिलके हो गए, लाइंग यानी गिरे हुए थे, ऑन द फ्लोर यानी आपका जो फर्श होता है, लाइंग ऑन द फ्लोर, लाइंग ऑन द फ्लोर फर्श पर गिरा हुआ होता है, अराउंड और एंड यू व्हाट, अराउंड यू एंड व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड You do,
What would you do? What would you do? तो आप उसका क्या करते हैं? तीन क्वेश्चन आपके सामने रखे। जब भी आप क्लास में जाते हैं, जब भी आप स्कूल में जाते हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैंने आपके सामने तीन क्वेश्चन पुट अप किए हैं। ये तीन प्रश्न रखे हैं। क्या डू यू लाइक क्लीन और डर्टी क्लोथ्स? क्या आप गंदे कपड़े या साफ सुथरे कपड़े पहनना पसंद करते हो? तो बताओ, गंदे पसंद करते हो क्या? नहीं करते ना, गंदे पसंद नहीं करते हो। इसका मतलब कैसे पसंद करते हो? क्लीन, क्लीन, क्लीन पसंद करते हो। तो आप क्या लिखोगे? आई लाइक टू वियर, आई लाइक टू वियर। अब मैं पहनना पसंद करता हूं। अब बताओ क्लीन या डर्टी? तो आप लिखेंगे क्लीन, अच्छे कपड़े, क्लीन क्लॉथ्स। हम अच्छे कपड़े पहनना पसंद करेंगे या पसंद करते हैं। दूसरा है, डू यू लाइक सिटिंग इन ए क्लीन रूम और ए डर्टी रूम? डू यू लाइक सिटिंग इन ए क्लीन रूम और डर्टी रूम? तो आप किस प्रकार के कमरे में बैठना पसंद करेंगे? तो आप कहेंगे आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक सिटिंग, आई लाइक टू सिट, आई लाइक टू सिट, मैं बैठना चाहूंगा। आई लाइक टू सिट क्लीन रूम, कि हम जिस कमरे में बैठे हैं वो साफ सुथरा हो, उसमें कोई रेपर्स वगैरह, कोई कागज वगैरह, किसी भी प्रकार का डस्ट रबिश चीजें नहीं हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एकदम अच्छा लगे, बैठने का मन करे, तो ऐसा होना चाहिए। फिर अगले बात कह रहा है हमसे, तीसरा क्वेश्चन उसने पुटअप किया है, इफ यू फाइंड देयर इज सम रबिश, और यदि आप क्लासरूम में जाते हो और वहां पर आपको कुछ रबिश यानी कचरा मिल जाए लाइंग ऑन द फ्लोर, आपके फ्लोर यानी फर्श पर आसपास में गिरा, फ्लोर अराउंड यानी फर्श के चारों ओर आपको कचरा मिल जाए, तो व्हाट वुड यू डू? तो आप उसका क्या करेंगे? मान लीजिए आप चाहते हो कि हम अच्छे कपड़े पहने, आप चाहते हो कि हम साफ सुथरे क्लासरूम में बैठे, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप क्लासरूम में जाते हो, उधर चारों तरफ क्या कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है, तो आप क्या करना चाहेंगे? तो आई वुड, आप क्या करोगे? बोलो उसी में बैठ जाओगे, उसकी सफाई करोगे? ऑब्वियसली है कि सफाई करके बैठना चाहिए, अच्छी बात होती है। तो आई वुड पिक अप, क्या करोगे? आई वुड पिक अप, आई वुड पिक अप दैट, आई वुड पिक अप दैट रबिश एंड दैट रबिश एंड आई, मैं उस पूरे कचरे को उठाऊंगा एंड क्या करूंगा? पुट इन टू द डस्टबिन, पुट रखूंगा, पुट इट उसको इन टू इन टू डस्टबिन और उसे कचरा पात्र में डाल दूंगा। जैसे हमारे क्लासरूम में यदि मैं प्रवेश करता हूं और वहां पर कुछ रबिश वस्तुएं पड़ी हुई होती है, तो मैं उसको डस्टबिन में डाल देता हूं। यह आपके मतलब बिफोर रीडिंग उस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके कुछ ऐसे डिजायरेबल क्वेश्चंस थे कि अगर एक क्लासरूम कैसा होना चाहिए, एक कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपके सामने ये तीन क्वेश्चंस पुट अप करे हैं और इन तीनों के आंसर भी कर दिए। तो अब आप बताइए, स्कूल इज ए टेम्पल, विद्यालय जो एक मंदिर होता है, तो हमारा दायित्व क्या बनता है? कि हम उसको साफ सुथरा रखें, यानी बिफोर रीडिंग, ये क्या है? बिफोर रीडिंग, पढ़ने से पहले आपको इन चीजों के बारे में बताया गया। बिफोर रीडिंग हम कुछ बातें कर लेते हैं कि हम स्कूल के बारे में भी जानते हैं, वी नो वेरी वेल अबाउट द स्कूल्स एंड टीचर्स, एंड वी नो वेरी वेल अबाउट स्टूडेंट्स एंड क्लासमेट्स, विद्यार्थियों के बारे में, कक्षा कक्ष के बारे में, टीचर्स के बारे में बहुत अच्छे से हम जानते हैं। तो ये मैंने कुछ इस स्कूल इज अ टेम्पल चैप्टर है आपका, तो उससे पहले आपके सामने कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आई लाइक टू वियर क्लीन क्लॉथ्स, हमें क्लीन क्लॉथ्स पहनना पसंद है। डू यू लाइक सिटिंग इन द क्लीन रूम और डर्टी रूम? तो आई लाइक टू सिट क्लीन रूम, मैं किस कक्षा कक्ष में बैठना पसंद करूंगा? क्लीन रूम में। इफ यू फाइंड देयर इज सम रबिश लाइंग ऑन द फ्लोर अराउंड यू, व्हाट वुड यू डू? आई वुड पिक अप द दैट, मैं उसे उठाऊंगा, एंड रबिश
दैट रबिश जो भी कचरा पड़ा हुआ है एंड पुट इट इनटू द डस्टबिन, और उसको क्या कर दूंगा डस्टबिन में डाल दूंगा, अपने विद्यालय को अपने क्लासरूम को मैं स्वस्थ रखूंगा, साफ सफाई रखूंगा, अर्थात मैं हाइजीन का पूरा ध्यान रखूंगा, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखूंगा। अब देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्लासरूम के बारे में, तो थोड़ा सा ये जब सब क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं तो एक क्लासरूम जो होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस यदि आप चाहें तो कर लेना, कर ही लेना चाहे क्या, याद कर लेना अच्छे से, चैप्टर के बारे में ये क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। आप देखो हम स्टार्ट करते हैं एक क्लासरूम, ए क्लासरूम, क्लासरूम यानी कक्षा कक्ष, क्लासरूम का हिंदी अर्थ क्या होता है कक्षा कक्ष, और क्लासरूम जो होता है उसमें क्या होता है आपको पता ही होता है, स्टूडेंट्स वगैरह बैठे होते हैं, सीट होते हैं, स्टूडेंट आर सिटिंग, स्टूडेंट्स आर सिटिंग, स्टूडेंट्स आर सिटिंग, कक्षा कक्ष होता है एक क्लासरूम का सीन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, क्लासरूम कक्षा का कक्ष होता है जिसमें फर्नीचर लगा हुआ होता है, बोर्ड लगा हुआ होता है, बच्चों के बैठने की व्यवस्थाएं होती है, तो स्टूडेंट्स आर सिटिंग, विद्यार्थी बैठे हुए थे। जैसे अब राजू नाम का एक विद्यार्थी है, राजू द क्लास मॉनिटर, राजू द क्लास मॉनिटर, राजू जो कि कक्षा का मॉनिटर है, नोट्स ध्यान देता है, नोटिसेज नोटिसेज सम बिट्स ऑफ पेपर, सम बिट्स ऑफ पेपर्स, पेपर लाइंग ऑन द पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, नियर मंजीत, मंजीत नाम का एक विद्यार्थी होता था जी, राजू द क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर का मतलब होता है विद्यार्थी जितने भी होते हैं उसमें से उन सबको एक हेड नियुक्त कर दिया जाता है, उसका एक प्रमुख बना दिया जाता है, तो एक कक्षा का जो प्रमुख होता है वो नोटिसेज सम बिट्स, उसने ध्यान दिया कि कुछ बिट्स यानी टुकड़े ऑफ पेपर्स, कुछ कागज के टुकड़े पड़े हुए थे, लाइंग ऑन द फ्लोर ग्राउंड के ऊपर या फ्लोर के ऊपर फर्श के ऊपर आंगन में, नियर मंजीत, मंजीत के पास में कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़े पड़े हुए थे। तो एक क्लासरूम का दृश्य है एंड स्टूडेंट्स आर सिटिंग, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, राजू द क्लास मॉनिटर, कक्षा का मॉनिटर राजू जो होता है, नोटिसेज उसने देखा, सम बिट्स ऑफ पेपर्स यानी कागज के कुछ टुकड़े, बिट्स यानी टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, ऑफ पेपर्स यानी कागज के लाइन यानी पड़े हुए थे, ऑन द फ्लोर यानी फर्श पर, एंड नियर द मंजीत, नियर मंजीत, और मंजीत के पास जो है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो पड़े हुए थे। तो ये सब देख करके अब बातचीत स्टार्ट होती है क्लास के बारे में। तो ये तो पहले का दृश्य था, पहले का सीन था जहां से हमें अपना चैप्टर स्टार्ट करना होता है। तो पहले तो मैंने आपसे 3-4 क्वेश्चन पुटअप किए, क्या आप अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हो या गंदे, तो आपने उत्तर दिया अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते, आप अच्छे साफ सुथरे कक्षा कक्ष में बैठना पसंद करते हो या गंदे कक्षा कक्ष में, तो आपने उत्तर दिया हम ऑब्वियसली हम साफ सुथरे और अच्छे कक्षा कक्ष में बैठना पसंद करते हैं। और एक विद्यार्थी होने के नाते यदि आप अपनी कक्षा कक्ष में प्रवेश करते हैं और वहाँ आस पास में कचरा रेपर्स वगैरह कागज के टुकड़े वगैरह पड़े हुए हैं तो आप उनका क्या करेंगे, तो आपने उत्तर दिया हम जाएंगे क्लास में से उनको उठाएंगे और डस्टबिन में डाल देंगे, यानी जो भी विद्यार्थी के सामने ये फेस आएगा वो विद्यार्थी उनको उठाएगा और अपनी क्लास को साफ सुथरा मेंटेन करने में यानी अपनी क्लास की हाइजीन को बनाए रखने में सहयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्लास का सीन आता है, एक क्लासरूम होता है, स्टूडेंट्स आर सिटिंग, विद्यार्थी उसमें बैठे हुए होते हैं,
एंड राजू द क्लास मॉनिटर, राजू जो कि कक्षा का प्रमुख है, नोटिसेज उसको ध्यान दिया कि सम बिट्स ऑफ द पेपर, कुछ पेपर के टुकड़े पड़े हुए हैं लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत, मंजीत के पास फर्श पर कुछ कागज के टुकड़े पड़े, उनको ध्यान दे करके फिर राजू के और मंजीत के बीच में वार्तालाप स्टार्ट होती है और वो वार्तालाप स्टार्ट हम करेंगे कल से, नेक्स्ट क्लास है। तो आज की मैंने जो आपको बोधात्मक क्वेश्चन दिए थे, तीन क्वेश्चन दिए थे ना पहले, तो वो क्वेश्चंस आप करेंगे और ये जो चार दो लाइनें मैंने लिखवाई हैं उनके मीनिंग्स वगैरह, जैसे सिटिंग यानी बैठना, क्लासरूम यानी कक्षा का अक्ष, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, मॉनिटर यानी कक्षा का प्रमुख, नोटिस यानी ध्यान दिया, बिट्स यानी छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटा सा भाग टुकड़ा, पेपर यानी कागज का, लाइंग यानी पड़ा हुआ, फ्लोर यानी फर्श, और नियर यानी नज़दीक। तो ये कुछ आपके मीनिंग्स थे, जो भी आपको याद करना है। मीनिंग्स कौन से थे, जैसे मान लीजिए ये लो क्लास रूम, तो आप लिखेंगे कक्षा कक्ष, क्लास रूम का मीनिंग क्या होता है, कक्षा कक्ष। और स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का मीनिंग आप जानते हो विद्यार्थी, क्या होता है स्टूडेंट्स का मीनिंग होता है विद्यार्थी। और एल वाई आई एन जी लाइंग, लाइंग यानी पड़ा हुआ, कचरा वगैरह पड़ा हुआ होता है। और फ्लोर एफ डब्ल्यू आर फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श आंगन ये होता है। और पेपर, पेपर यानी कागज, पेपर यानी कागज के टुकड़े, ये आपके कुछ नियर, एन ई आर नियर, नियर यानी नजदीक। ये कुछ मीनिंग्स हैं जो आपको याद भी करनी है और लिखनी भी है, होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा ये मीनिंग्स आप, और बाकी क्वेश्चंस जो तीन बताए थे वो करेंगे और इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।